17 नवंबर यानी कि कल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मतदान होने हैं, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। जबलपुर पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने कहा कि 17 नवंबर को 2132 बूथों पर मतदान किया जाएगा। निष्पक्ष और शांतिपूर्वक विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए 504 क्रिटिकल, 23 मतदान भवन पर हाफ सेक्शन पर पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है। वहीं पेट्रोलिंग मोबाइल, QRT मोबाइल, सेक्टर मजिस्ट्रेट, राजपात्रित अधिकारी की मोबाइल पर हर 5 से 10 मिनट में मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान केंद्रों की स्थिति पर नजर रखेंगे। शहर के लगभग 3000 पुलिस अधिकारी कर्मचारी के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स को भी बुलाया गया है। वहीं जबलपुर पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने संस्कारधानी वासियों से अपील की है कि इंटरनेट पर सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट पर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर ना करें और शेयर करने से बचें, लोगों को भी जागरूक करें। सवाना हो जाएगा पोलिंग स्टेशन के, और परसों जो पोलिंग का दिन रहेगा तो थाने पे मैक्सिमम 3 से 4 लोग रहेंगे। उसके अलावा पूरा जो फोर्स है थाने का, वो या तो पोलिंग स्टेशन पे रहेगा, रिजर्व में रहेगा, और या फिर मेजर जो फोर्स है वो सेक्टर मोबाइल और FST SST इनमें लगा होगा। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि जो सेक्टर मोबाइल है वो, उसके जो अधिकारी हैं वो अपने रोल को समझें। देखिए क्या है, आप अलग अलग जगह अपने थानों में, आपके पास अलग अलग पुलिस स्टेशन, आपके पास पोलिंग स्टेशन होंगे। पहला काम देखिए, अभी क्योंकि आज शाम से प्रचार खत्म हो जाएगा 6 बजे से, और उसके अलावा अभी आज पहली जो ब्रीफिंग है वो सेक्टर मोबाइल्स की आज की गई है। सभी सेक्टर प्रभारी अधिकारी, जिसमें ASI सब इंस्पेक्टर्स रहते हैं, उनको बुला के ब्रीफ करके उनको दायित्व दिए गए हैं, और उनका जो भी ड्यूटी है वो ड्यूटी स्थल पर अपने पोलिंग बूथ की मॉनिटरिंग, कल जो सभी पोलिंग पार्टी जब रवाना होकर पहुँचेंगी तो उनका फैसिलिटेशन, और उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से क्विक रिस्पांस देने के लिए इन सभी सेक्टर जो प्रभारी अधिकारी हैं उनको ब्रीफ करके अभी रवाना किया गया।